नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्रेजेंट टाइम में मारुति सुजुकी के एक दो गाड़ियों को छोड़कर किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये हर क्रैश टेस्ट और रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में फेल हो जाती हैं। और इन्हीं में से एक नाम इग्निस का भी आता है, जिसका आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ। एक्सीडेंट से पहले बात कर लें इसके सेफ्टी रेटिंग्स की, तो 2019 में मेड इन इंडिया इग्निस को एक बार ग्लोबल एनकैप सेफर कार्स फॉर अफ्रीका के अंडर टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने अडल्ट सेफ्टी में 3 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी में 1 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे। इसके अलावा हैचबैक के कुछ एक्सीडेंट्स भी सामने आ चुके हैं, कुछ में इसने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ में बेकार। बात करते हैं मेन टॉपिक पर। उत्तराखंड से मिस्टर प्रवीण जोशी जी ने मुझे मेल किया है और मारुति सुजुकी इग्निस और डीसीएम के बीच हुए एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इग्निस को बैक साइड से एक तेज रफ्तार डीसीएम ने हिट किया, जिसके बाद वो सामने खड़े ट्रक में जाकर घुस गई। अब यहाँ पर डीसीएम के ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता चल पाया है। हो सकता है रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल ना हो पाई हो। खैर, जो भी हुआ बुरा हुआ। इस जबरदस्त टक्कर के बाद हैचबैक के परखच्चे उड़ गए। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं इग्निस के बी पिलर से पीछे वाला पूरा हिस्सा चपटा होकर खत्म हो चुका है। इसके अलावा आगे वाले ट्रक से लड़ने की वजह से इसके फ्रंट में भी काफ़ी नुकसान आया है। अंदर बैठे पैसेंजर्स की बात करें तो एक्सीडेंट के वक्त 2 लोग मौजूद थे और वो दोनों ही लोग माइनर इंजरीज के साथ सेफली बाहर आ गए, किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आईं। अब इन फोटोज़ को देखकर आप बताइए कि ये गाड़ी कहाँ से टाटा पंच की कॉम्पिटिटर है। ऐसे एक्सीडेंट में पंच जैसी 5 स्टार रेटेड गाड़ी का कभी ये हाल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इनफैक्ट पूरी गाड़ी ही इग्निस से काफ़ी ऊपर है। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि अगर आपको इतना पैसा खर्च करना हो तो फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दें, फिर चाहे वो किसी भी गाड़ी में मिले। क्योंकि अभी आपने देखा ही कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर बैक सीट पर कोई नहीं बैठा था, वरना उसको काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती। तो ऐसे में आपको और आपके फैमिली को सिर्फ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार ही सेफ रख सकती है। चैनल को अभी तक सिर्फ 22% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप भी इस लाल वाले बटन को दबाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।